हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीएनएफ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मैंने इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, और आज का टॉपिक है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, जो कि यूज होता है मेनली पीडीए को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अगर हमें किसी भी सीएफजी से हमें पीडीए बनाना हो, तो हम पहले उस सीएफजी को कन्वर्ट करते हैं जीएनएफ में, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद सीधा सीधा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पीडीए में। ठीक है, तो जीएनएफ की बात स्टार्ट करते हैं। जीएनएफ ये है क्या? जीएनएफ सीएफजी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें खास तरीके के प्रोडक्शंस ही अलाउड होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होती है? प्रोडक्शन की फॉर्मेट कुछ इस तरीके की होगी, ए चेंजेस टू ए अल्फा। यहाँ पे खास बात क्या है, ये एक वर्टेक्स है, मतलब वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, कोई टर्मिनल है। ठीक है, और जो अल्फा है, ये अल्फा भी एक वर्टेक्स है, और ये कितने भी हो सकते हैं, मतलब अल्फा एप्साइलेंट भी हो सकता है, एक वर्टेक्स भी हो सकता है, दो वर्टेक्स भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट वर्टेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से इसको देखना है कि अ नॉन टर्मिनल गोज टू अ टर्मिनल एंड देन अ स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। अब ये स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल जो है वी स्टार, इसके बीच में कोई टर्मिनल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्शन लिखता हूं, ए चेंजेस टू ए ए बी। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्शन लिखता हूं, ए चेंजेस टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, एंड देन बी। तो ऊपर वाला तो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ पहला एक टर्मिनल है, उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस है। ठीक है, आगे कोई टर्मिनल नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, तो यहां पे क्या है, स्टार्टिंग विद अ टर्मिनल तो ओके है, बट उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस होना चाहिए। यह स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस नहीं है, इसके बीच में एक टर्मिनल भी आ जा रहा है, तो ये ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये तो हमारा एक प्रोडक्शन हो गया जो अलाउड होता है। एक दूसरा प्रोडक्शन भी अलाउड होता है, अगर हमारी ग्रामर में एप्साइलन भी हो। ठीक है, मतलब नल स्ट्रिंग भी हमारी ग्रामर को बिलोंग करती हो, तो हम एक और खास तरीके का प्रोडक्शन अलाउ करते हैं, वो प्रोडक्शन है एस चेंजेस टू एप्साइलन का। तो हम लोग एस चेंजेस टू एप्साइलन प्रोडक्शन भी अलाउ करते हैं, वेयर एस इज स्टार्ट सिंबल। ठीक है, स्टार्ट सिंबल के पास एक प्रिविलेज है कि वो एप्साइलन को डिराइव कर सकता है। ठीक है, और बाकी हर एक वर्टिसेस को ऐसा ही होना पड़ेगा, इसी फॉर्म में होना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी सीएफजी को हम जीएनएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं तो बेटर रहेगा, कन्वर्जन प्रोसेस है। अच्छा, इस कन्वर्जन प्रोसेस के बीच में दो रूल्स आएंगे। ठीक है, वो जहां पे एप्लीकेबल होंगे मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वो ज्यादा सेंस बनाए। ठीक है, तो हम अपनी सीएफजी लेते हैं। हमारे पास सीएफजी है कुछ इस तरीके की, एस चेंजेस टू कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, एंड कैपिटल ए चेंजेस टू कैपिटल एस स्लैश कैपिटल बी। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली चीज चॉम्स्की में है, सीएनएफ में है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं रूल्स की बात करता हूं सीएफजी के, तो रूल्स हम यहां पे लिखते हैं। अगर हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो होता है कन्वर्ट टू चॉम्स्की। ठीक है, अब सिंस चॉम्स्की में कन्वर्टेड है, तो इसमें पहले तो एप्सिलॉन सिंबल्स नहीं होंगे, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंडली यूनिट प्रोडक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज गारंटीड है। तो सबसे पहले देखते ही हम चॉम्स्की में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी सीएफजी को। अच्छा, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुम्हें ऐसी ग्रामर नहीं देंगे जो कि चॉम्स्की में ना हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम खत्म होगा उसको चॉम्स्की में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि खुद का एक क्वेश्चन है, और उसके बाद चॉम्स्की को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो यूजुअली क्या देते हैं, पहले से चॉम्स्की देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखो तो इसने पहले से हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ग्रामर को दे रखा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो हम करते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है रीनेम वर्टिसेस। अब इस रीनेमिंग का क्या क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा स्टार्ट करो। ये एस है, एस चेंज हो जाएगा किसी ए वन से। ठीक है, और वैसे ये ए है, ए चेंज हो जाएगा ए टू से।
ठीक है, हमें सिर्फ वर्टिसेस को रीनेम करना है, टर्मिनल्स को नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैंने रिप्रेजेंटेशन ले दी है, A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S को, और A2 रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल A को, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 A1/B, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया जो कि रीनेमिंग। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप कहता है कि हर एक इस तरीके के टर्मिनल को अलाउ कर दो, AI changes to AJ, गामा कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अगर AI changes to AJ करके कोई प्रोडक्शन है जहां पे J की वैल्यू इज ग्रेटर देन I, तो उन वाले प्रोडक्शंस को अलाउ कर दो, अलाउड, ठीक है। लेकिन अगर J इज लेस देन I, तो हमें एक रूल लगाना है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। इफ J इज लेस देन I, एक्सपैंड टर्मिनल, एक्सपैंड कर दो किसको, AJ को एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो हम अपनी इस वाली ग्रामर में चेक करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, A1 changes to A2, ठीक है, तो ये तुम्हारा J हो गया, ये तुम्हारा I हो गया, तो J इज ग्रेटर देन I, तो ये वाला टर्मिनल अलाउड है, ठीक है। और A1 changes to, तुम्हारे पास सीधा सीधा A है, तो ये भी इस वाली फॉर्म जो हमारी बेसिक ग्रेबैक की फॉर्म थी, A changes to A अल्फा, जहां पे अल्फा क्या था तुम्हारे पास, वर्टेक्स का स्टार था, तो वर्टेक्स के स्टार में एप्सिलॉन भी आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एप्सिलॉन रख देता हूं मैं, ये बेसिकली अल्फा ही लिखा हुआ है, बस अल्फा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एप्सिलॉन थी, तो ये वाला जो प्रोडक्शन है A1 changes to A, ये भी अलाउड है। सिमिलरली A2 changes to B भी अलाउड है, लेकिन अगर ये वाला प्रोडक्शन देखो, A2 changes to A1 A1, तो यहाँ पे J की, तुम्हारी I की वैल्यू क्या है, 2 है, और J की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो, अगर J is less than I है, तो मुझे एक्सपैंड करना है AJ को, ठीक है, तो मतलब मुझे A1 को एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप क्या ले लूंगा, एक्सपैंड A1, एक्सपैंड कर दूंगा मैं A1 को, ठीक है। तो A1 का टर्मिनल तो ऐसे ही रहेगा, मॉडिफाइड ग्रामर की बात करता हूं, A1 का टर्मिनल ऐसे ही है, A1 changes to A2 A2/A1/A, और इस वाले में अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, A1 की वैल्यू रखूंगा, तो क्या आ जाएगा, A2 changes to, एक बार मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा और एक बार ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो जब मैं पहली वाली वैल्यू रखता हूं तो क्या आ जाएगा, A2 A2 A1, ठीक है। और मैं अगर दूसरी वाली वैल्यू रखूंगा A1 की जगह, तो क्या आ जाएगा, small a A1, ठीक है, और B तो पहले से ही था। तो हमारा ये वाला स्टेप लगाने के बाद में कुछ इस तरीके की ग्रामर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं रूल नंबर 4 से इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अच्छा ये हमेशा जो रूल्स मैं बता रहा हूं, ये हमेशा सीक्वेंस में ही आएंगे, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सीक्वेंस वॉइड हो, ठीक है। तो चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि अगर कोई प्रोडक्शन इस तरीके का है, AK changes to AK गामा, ठीक है, ये K और K इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो हम लोग इस केस को कहते हैं लेफ्ट रिकर्शन कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्शन कहते हैं। तो हमें अपनी ग्रामर से इस लेफ्ट रिकर्शन को हटाना होता है, ठीक है। अब लेफ्ट रिकर्शन कैसे हटा सकते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, अब वो रूल्स देखो। मैंने कहा था कि इस CNF, इस GNF में तुम्हें दो रूल्स याद रखने पड़ेंगे, वो दो रूल्स यही हैं। रीनेमिंग कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कन्वर्टिंग टू चॉम्स्की वो खुद का क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में कभी भी तुम्हें चॉम्स्की में कन्वर्ट करने के लिए नहीं देंगे, तुम्हें सीधा सीधा चॉम्स्की फॉर्म ही देंगे, तो तुम्हें ये सारे स्टेप्स लगाने होते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो रूल था वो ये था, लेफ्ट रिकर्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो जनरली मैं बताता हूँ लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। अगर कोई सिंबल ए है और वो चेंज कर रहा हो A α1, ठीक है, A α2, A α3, ये सब कुछ लेफ्ट रिकर्शन है। यहाँ पे ये वाला ए और ये सबसे लेफ्ट मोस्ट ए मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे काफी सारे प्रोडक्शन है, और साथ ही साथ ए इज ऑल्सो चेंजिंग टू β1/β2, और इस तरीके से करके। अब ये β1 β2 क्या है, ये दोनों बस ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, β1 β2 बस ए से नहीं स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे
अगर इसका लेफ्ट रिकर्जन हम एलिमिनेट करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कैपिटल ए चेंजेस टू, ये बीटा वन बीटा टू से हमें कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, बीटा वन स्लैश बीटा टू, ठीक है, जितने भी होंगे सारे के सारे। हमें दिक्कत थी इन वाले प्रोडक्शन से, ठीक है, तो सिंस हमें इनसे दिक्कत थी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए चेंजेस टू, ठीक है, ए चेंजेस टू बीटा वन जेड स्लैश बीटा टू जेड, ठीक है, इस तरीके से हर एक बीटा के साथ में आगे जेड लगा देंगे, ठीक है। पहली चीज, पहले बीटास को एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद बीटास के साथ में जेड लगा देंगे। थर्ड क्या कर देंगे, हम फिर जेड को डिफाइन करने लग जाएंगे, जेड क्या है, जेड क्या होगा, ये जो अल्फा वन है, अल्फा टू अल्फा थ्री, यही जेड हो जाएगा, अल्फा वन स्लैश अल्फा टू स्लैश अल्फा थ्री, ठीक है, इस तरीके से। और जेड एक और चीज भी होगा जो कि होती है अल्फा वन जेड स्लैश अल्फा टू जेड स्लैश अल्फा थ्री जेड एंड सो ऑन। तो अगर ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना, तो एक बार फिर से बता देता हूं कैसे हटेगा ये। ये सारे के सारे लेफ्ट रिकर्सिव केसेस थे और ये वाले केसेस थे जो कि नॉर्मल अलाउड है ना। तो हमें पहले तो अलाउड वाली चीज को छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिख देना है, उसके बाद अलाउड वाली चीज के साथ में एक जेड एक्स्ट्रा जोड़ देना है अपने आप से, फिर उस जेड को डिफाइन कर लेना है। वो जेड क्या होगा, जेड होगा तुम्हारे पास जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट था उसको छोड़ के बचा हुआ सब कुछ, और उसके साथ में एक जेड को अपने आप भी जोड़ देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेफ्ट रिकर्शन रिमूव हो जाता है, हमें यही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। तो अगर देखो ए के चेंजेस टू ए के वाला कौन सा पार्ट है, ए टू चेंजेस टू ए टू, यही तो लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं इस वाली फॉर्म में लिख के दिखाऊं तुम्हें, तो इस वाली फॉर्म में कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ए चेंज कर रहा है तुम्हारे पास ए, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फा वन हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे मॉडिफाई कर देता हूं, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फा वन हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको बीटा वन कह देंगे, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको बीटा टू कह देंगे, है ना। अब इस वाले प्रोडक्शन को हम पूरा तोड़ लेंगे ढंग से, इसका लेफ्ट रिकर्शन हटा के और इसको पूरा तोड़ के लिख देता हूं मैं, कैसे टूटेगा ये। ए टू तुम्हारे पास कहां पे जाएगा, पहले तो वो चीजें लिख दो जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम किससे नहीं है, ए ए वन से प्रॉब्लम नहीं है और हमें बी से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लमैटिक पार्ट लिख देते हैं, प्रॉब्लम हाँ जेड को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो जेड को कैसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ए कैपिटल ए वन एंड जेड साथ में, ठीक है। सिमिलरली बी के साथ में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर जेड को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जेड कैसे डिफाइन होगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, यहां पे क्या है, खाली एक ही है अल्फा वन, ठीक है। तो अल्फा वन को हमने एज इट इज लिख देंगे, ए टू ए वन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जेड चेंजेस टू तुम्हारे पास अल्फा वन, तुम्हारे पास क्या था, ए टू ए वन जेड, कुछ इस तरीके से ये वाली प्रोडक्शन टूट गई है, ठीक है। चार प्रोडक्शंस में रूल कौन सा लगा है, ये वाला रूल लगा है, इसको याद करना कंपलसरी है, वरना उसके बिना उसके तुम जेएनएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेप जो कि है फाइनल स्टेप, ठीक है। फाइनल स्टेप में क्या करना है, फाइनल स्टेप में कुछ नहीं करना है, जो जो प्रोडक्शन अब फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उन सबको रिप्लेस कर देना है। अब ये ए टू खत्म हो चुका है यहां से, ठीक है, इस ए टू को हमें कंसिडर नहीं करना। अब हमारी ग्रामर में प्रोडक्शंस ये हैं, ए वन ये है और ये सारे प्रोडक्शंस हमारी ग्रामर में है, ठीक है। तो अगर देखो वॉयलेटिंग प्रोडक्शंस कौन कौन से, कौन कौन से जीएनएफ फॉर्म में नहीं है, अगर इसकी बात करो तो ये जीएनएफ में है, ठीक है, ये भी जीएनएफ में है। जेड को देखो तो ये जीएनएफ में नहीं है, क्योंकि स्टार्ट किससे करना चाहिए, टर्मिनल से स्टार्ट करना चाहिए ए, ये तुम्हारे टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वाला भी तुम्हारे टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा, और ए वन की बात करें तो ए वन भी टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे ए टू की वैल्यू रख दो, ठीक है, सिंस ए टू हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा है और ए वन ए टू से स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे ही ए टू की वैल्यू रखोगे सब कुछ ए वन का टर्मिनल से स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है। कैसे, ए वन में ए टू की वैल्यू रख दो सिंपली, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे ए टू की वैल्यू रखी तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड ए टू, ठीक है।
अगर मैं यहां पे बी रखता हूं तो क्या आ जाएगा, स्लैश बी ए टू, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट रखता हूं तो क्या आ जाएगा, ए ए वन जेड, ए ए वन जेड और ए टू, ठीक है। स्लैश अगर मैं क्या रखता हूं, ये रखता हूं बी रखता बी जेड रखता हूं तो क्या आ जाएगा, बी जेड ए टू, ठीक है। और यहां पे बचा हुआ प्रोडक्शन ए। अगर देखो ये पूरा पूरा तुम्हारे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये टर्मिनल, ये स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस, ये टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस, स्ट्रिंग टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस, टर्मिनल स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में। अब मैं ये फाइनल ग्रामर लिख रहा हूं, ये बिल्कुल फाइनल होगी, ठीक है। ए टू जैसा था वैसे ही सही है। तो ए टू क्या हो गया तुम्हारे पास, ए ए वन स्लैश बी स्लैश ए ए वन जेड स्लैश बी जेड, ठीक है। अब अगर जेड प्रोडक्शन को देखो, अगर जेड में भी तुम ए टू की वैल्यू रख देते हो तो काम चल जाएगा। तो जेड में भी हम ए टू की वैल्यू रखते हैं, जेड में ए टू की वैल्यू रखी तो क्या आ जाएगा, बस आखिरी में ए वन जोड़ना है सारी की सारी वैल्यू के साथ में, ए ए वन ए वन, ठीक है, स्लैश बी ए वन स्लैश ए ए वन जेड ए वन स्लैश बी जेड ए वन, ठीक है। ये हो गया इस वाले प्रोडक्शन की करस्पॉन्डिंग। अब इस वाले प्रोडक्शन में भी जेड के रख देते हैं वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ए टू की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ए वन ए वन जेड, ठीक है, बस ए वन जेड जोड़ देना है तुम्हें यहां के प्रोडक्शन के बाद में, बी ए वन जेड जेड आएगा, स्लैश ए ए वन जेड ए वन जेड स्लैश बी जेड ए वन जेड, ठीक है। तो ये जो ग्रामर अभी लिखी है, ये चार रूल्स, ये कन्वर्टेड जीएनएफ फॉर्म है, ठीक है, ये है फाइनल कन्वर्टेड जीएनएफ फॉर्म। अच्छा, सीएनएफ में कन्वर्जन जो था वो काफी इजी था, लेकिन जीएनएफ का कन्वर्जन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लंबा भी है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, 12.5 का अगर आप एंड टर्म की बात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ गए तो आप किसी भी ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना। मेन रूल क्या है, पहला तुम्हें पहले ये रूल ये अप्लाई करना है, फिर तुम्हें ये वाला रूल अप्लाई करना है लेफ्ट रिकर्जन वाला, और फाइनली तुम्हें क्या रखनी है, खाली वैल्यू सेटल करनी है, ठीक है। तो ये इस वीडियो के कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके सारे नोट्स और सारे स्क्रीनशॉट तुम्हें हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर तुम इस वीडियो को वेबसाइट पे देख रहे हो तो आपको नोट्स राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जीएनएफ हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखते हैं।